मेरा नाम अमृता सिन्हा है और मैं आई हूँ वेस्ट बंगाल के शांतिनिकेतन से। और मुझे यू टेंट के बारे में पता चला यूट्यूब देखकर। मैं इसीलिए आई हूँ कि मेरा टीथ में बहुत बड़ा गैप है और मैं खुलकर हंस नहीं सकती और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल को थोड़ा लो कर देती है जब मैं खुलकर बातें करती हूँ। और इसीलिए मेरा मैक्सिमम पिक्चर मुंह बंद करके ही है, मैं खुलकर हंसती नहीं हूँ क्योंकि मेरा स्माइलिंग फेस नहीं है। तो इसीलिए मैं आई हूँ कि मेरा स्माइलिंग फेस हो जाए और मैं खुलकर हंस सकूँ, खुलकर बातें कर सकूँ और थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई हो जाएगा इसकी वजह से। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेश गुप्ता, ये अमृता सिंह थी जो वेस्ट बंगाल से अपनी स्माइल को डिजाइन कराने के लिए यूडेंट हॉस्पिटल जयपुर आई थी। वैसे तो इनको देखकर के आपको लग रहा होगा कि इनकी स्माइल तो बिल्कुल ठीक है, फिर क्यों कुछ करवाना है। इनिशियली जब हमने इनको देखा तो हमने भी इनको यही समझाया, बट इनके अपने कुछ इश्यूज़ थे अपनी स्माइल को लेकर के। इनका कहना था कि जब मैं खुल करके हंसती हूँ तो मेरे फ्रंट के दो दांत काफ़ी बड़े दिखाई देते हैं और थोड़े बाहर भी निकले हुए दिखाई देते हैं। और इनका ये भी मानना था कि इनके दांतों के बीच में काफ़ी स्पेसेस हैं जिसके कारण से ये खुल करके हंस नहीं पाती और इनका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी लूज रहता है। तो इनकी एक ही रिक्वेस्ट थी कि सर, क्या आप मेरे इन इश्यूज़ को दूर कर सकते हैं, क्या आप मेरी स्माइल जैसा मैं चाहती हूँ वैसा बना सकते हैं। तो फिर हमने इनका पूरा चेकअप लिया और हमने इनसे कहा बिल्कुल आप जैसा चाहती हैं वो सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं। और हमने इनको ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की सलाह दी कि आप डेंटल वायरिंग करवाएं और ये वायरिंग से जो भी आप चाह रही हैं इनका आपके स्पेसेस भी कम हो जाएंगे और आपका जो ये दांत बाहर निकले हुए दिखाई दे रहे हैं ये भी अंदर हो जाएंगे। बट इनके पास समय काफ़ी कम था क्योंकि ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में काफ़ी समय लगने वाला था और इनकी शादी थी कुछ ही दिन बाद। तो इन्होंने कहा कि मुझे ये सब कुछ 2 या 3 दिन में ही चाहिए। तो फाइनली हमने इनकी स्माइल को डिज़ाइन करने का फैसला किया कि 2 या 3 दिन में हम आपकी स्माइल डिज़ाइन कर देते हैं। और हमने एक टेम्प्रेरी क्राउन बना करके इनको लगा करके देखा जिसमें हमने सारे गैप मिटा दिए थे। जैसे ही हमने इनको टेम्प्रेरी क्राउन लगाया तो बाय गॉड पहले से भी ज़्यादा लुक खराब दिख रहा था। जैसे ही हमने इनके स्पेसेस को दूर किया या इनके गैप को मिटाने की कोशिश की तो इनके दांतों की चौड़ाई काफ़ी बढ़ गई थी और चौड़ाई बढ़ाने के कारण दांत काफ़ी चौड़े चौड़े दिख रहे थे, काफ़ी ब्रॉड दांत दिख रहे थे। तो इनकी स्माइल जच नहीं रही थी इनके चेहरे पर। ठीक है, फिर हमने अगेन उनका दोबारा ट्रायल लिया, लेकिन अब इसके लिए हमें क्या करना था, दांतों के बीच की चौड़ाई कम करने के लिए हमें एक्स्ट्रा दांत लगाना था और एक्स्ट्रा दांत लगाने के लिए गम्स को भी हमको उसी हिसाब से शेप देनी थी। तो थोड़ी मसूड़ों की हमने प्लास्टिक सर्जरी की, उसके हिसाब से एक एक्स्ट्रा दांत दोनों साइड एक एक एक्स्ट्रा दांत लगाया और एक्स्ट्रा दांत लगाने के बाद इनकी चौड़ाई को एडजस्ट किया। और अब आप देख रहे हैं ये फाइनल स्माइल इनकी आ गई है, ये बहुत खुश है। जैसे ही हमने इनको लगाया तो देखते ही ये बहुत खुश हुई और आप इनकी खुशी का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि जब इनको लगाने के बाद जब इन्होंने देखा अपने आप को मिरर में तो ये बस अपनी फ़ोटो ही खींचती रही बार बार। और फाइनली मेरा कहना यही है कि किसी भी तरीके की स्माइल को आप ठीक करा सकते हैं और कैसे भी स्माइल हो करेक्ट की जा सकती है, आपके हिसाब से उसको डिजाइन किया जा सकता है। आज फाइनली इनका स्माइल डिजाइन कर दिया है कि देखिए आप मिडलाइन भी करेक्ट हो गई है, जो बाहर निकल रहे थे वो भी ठीक हो गए हैं और पुरानी स्माइल जो थी उससे ये अब निकल बाहर आ गई है। अब कैसा लग रहा है आपको अब नई स्माइल पाने के बाद? डॉक्टर बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरा स्माइलिंग वापस आ गया है। वापस नहीं, मेरा नहीं थी तो अभी नया से आ गया है अच्छा वाला स्माइल, तो मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू। मैं स्माइल कर सकती हूँ, बात कर सकती हूँ, मैं ऐसे खुल कर भी बात नहीं करती थी पहले, तो अभी बात कर रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू। अभी तो मैं आईने के सामने जाऊंगी, कैसे मेरा अच्छा आ रही है सब कुछ मैं देखूंगी, फोटो खींचना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी तो मैं ऐसा ही करूंगी वीडियो कि मेरा कैसे स्माइल अच्छा लग रहा है, कितना खुलना पड़ेगा, ये सब मैं अभी करूंगी। हैबिट हो चुका है ना, थोड़ा ऐसे 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 करना मैं। अभी मेरा अंदर एक कॉन्फिडेंट लेवल आ गया है। और एक बात है कि मैं कब से सोच रही थी कि मैं ब्लॉगिंग करूँ आईफोन खरीदने के बाद, वो भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि मुझे बात करना पड़ेगा। तो मैं बहुत खुश हूँ कि अभी मैं कर पाऊंगी वो भी जो मेरा पैशन है। थैंक यू। अब आप बिल्कुल खुलकर के हंसेंगी सोसाइटी में? हम चाहते हैं कि लोग इसी तरह हंसते रहें और अपनी स्माइल को इम्प्रूव करवाएं, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है इससे, आप डिप्रेस ना हो स्माइल को लेकर के। और कैसी भी स्माइल करेक्ट की जा सकती है, उनकी हंसी या उनकी स्माइल वापस लाई जा सकती है। ठीक है ना, आपने सोचा था कभी आप वापस अपनी इस स्माइल को? नहीं, सीरियसली मैं नहीं सोचा था।
बहुत खुश हूँ। हाँ, कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी ब्रांच जयपुर में है, जयपुर राजस्थान की कैपिटल है। और कई बार ये होता है कि आप लोग सिर्फ मैसेज भेज देते हो कि प्लीज हमें ठीक कर दीजिए और इसका खर्चा बता दीजिए, तो कई बार ये खर्चा बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब तक पूरे दांतों का पिक हमारे पास नहीं होगा, चारों तरफ का पिक्स हमारे पास नहीं होंगे, तब तक उसका डिजाइन बताना, उस पर कितना खर्चा होगा, बड़ा मुश्किल होता है। तो जब कभी भी आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं तो प्लीज अपने पिक्स, क्योंकि आपने भी अपना पिक भेजा था पहले तो हम इनको बता पाए थे, तो व्हाट्सएप पर जो दिए गए नंबर है आपको, उस पर अपने फोटोज भेजिए, हर एंगल से अपनी फोटो भेजिए, तो फिर हम आपको बता पाएंगे। और कई बार ऐसा भी होता है हम लोग बहुत बिजी होते हैं, क्योंकि आपकी डिजाइनिंग को जब तक मैं नहीं देखूंगा, जब तक उसका खर्चा और क्या डिजाइन होगा बताना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मुझे देखने में थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि मैं बिजी रहता हूं, तो सारे मैसेज को एक बार देख, मेरे असिस्टेंट मुझे दिखाते हैं, तो कई बार 2 या 4 दिन का आपको समय भी लग सकता है रिप्लाई आने में, तो प्लीज उसको बुरा ना माने। आप अपना फोटो भेज दीजिए व्हाट्सएप पर दिए गए नंबर पर, हम जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे और आपको खर्चा बताने की कोशिश करेंगे। तो अब आप खुश हैं, यूडेंट से आप जा रही हैं वापस, अब ये इनकी फ्लाइट हो चुकी। Udent India Hospital, near Vivek Vihar Metro Station, New Sanganer Road, Jaipur. For more information, visit www.udent.in.